अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. सो वी आर हैविंग गेस्ट टुडे और आज मैंने इतना भाग भाग के काम किया ना, आई वाज बिहाइंड स्केड्यूल. अभी मैं सारा खाना बनाया फटाफट, फिर मैं फटाफट खुद तैयार हुई हूँ, फिर मैंने मुस्तफ़ा को तैयार करना है. अभी मैंने मुस्तफ़ा को तैयार करना है, मैं उसके कपड़े शपड़े रेडी करके आई हूँ, फिर मैंने सारी सेटिंग वगैरह की है. तो आज का व्लॉग मैं कुछ भी नहीं रिकॉर्ड कर सकी, लाइक आई वाज टू बिजी, बट आई एम गोना शो यू द फाइनल प्रोडक्ट्स. और इस टाइम मुझे इतनी कुछ शदीद लेवल किस्म की प्यास लगी हुई है ना, ओए होए होए. तो स्टे ट्यून्ड. मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि यार खाना बनाना इज़ फार मोर बेटर देन हाई टी. आई डोंट नो, लेकिन यार हाई टी के अंदर इतनी सारी चीज़ें बनानी पड़ती हैं और सेपरेट, तो वो बहुत ज़्यादा खप है. इंस्टेड ऑफ ये कि बंदा चावल बनाए, सालन बनाए और खाने खिला दे, लेकिन कभी कभी फिर आपको हाई टी का भी इंतजाम वगैरह करना पड़ता है. तो आज हमारे घर पर हाई टी थी, तो मैंने उसके लिए ऐसे सिंपल सा मेन्यू डिसाइड किया. मुझे शामी कबाब सच में बड़ी खप लगती है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कहा चलो बना लेते हैं. तो यहाँ पे मैंने दाल को पहले भिगोया हुआ था, मैंने दाल डाली, चिकन डाला, सारे स्पाइसेस डाले, एक आलू काट के डाला, बस फिर पानी वगैरह डाला और 45 मिनट्स का टाइमर लगाया. 45 मिनट्स वाज द परफेक्ट जो है ना, मतलब मेरा अंदाजा था, क्योंकि वो उसमें बिल्कुल दालें अच्छी तरह गल भी चुकी थी और पानी भी बिल्कुल ड्राई हो चुका था. अच्छा, मुझे ना पूरा खाना बनाना इतना मुश्किल नहीं लगता जितना मुझे गोश्त धोना मुश्किल लगता है. लाइक मुझे ऐसा लगता है यार बस गोश्त धुला धुलाया मिल जाए ना तो टेंशन खत्म. तो सबसे पहले मैं ये जो सारे काम करी थी जो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है या फिर जिनको थोड़ा सा रेस्ट देना पड़ता है, तो यहाँ पे मैंने ड्रम स्टिक्स बनानी थी, चिकन को मैंने थोड़ा सा टाइम देना था. बस फिर पहले मैंने चिकन को अच्छी तरह धोया, फिर उसको मैंने पानी हल्का सा डाल के थोड़ा सा स्टीम कर लिया, ताकि मतलब वो मुझे जब मैं फ्राई करूँ तो मुझे ज्यादा जो है ना मतलब उसको फ्राइंग में टाइम थोड़ा हो जाए. ये मेरा तरीका हमेशा काम करता है, लेकिन इस बार पहली दफा जो है ना आई डोंट नो लेकिन क्या, लेकिन वो फिर भी मतलब इतना सही नहीं था. तो खैर कोई बात नहीं, वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स. और ना यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं ना इसको मतलब शामी कबाबों को मैं हाथ पे कूटूंगी, लेकिन मैंने स्टार्ट किया और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं यार ये तो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग और बड़ा ही मतलब लंबा काम है. तो मैंने कहा नहीं भाई, चॉपर में ही कर लेंगे, वो ज्यादा बेटर है. बस फिर उसको मैंने वहीं पर बंद कर दिया था और दूसरी तरफ मैंने कहा कि पहले मैं चिकन को मसाला लगा के रख लूँ, क्योंकि यार हाई टी जब आप कर रहे होते हो ना तो सच में इतनी सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं करने वाली कि बंदा मतलब ऐसे सिर्फ लिस्ट ही बनाता रह जाता है, पहले ये करना है, ये करना है, ये करना है. बस फिर दूसरी तरफ जो मैंने चिकन को मसाला वगैरह लगाना था वो मैंने रेडी किया, उसको मैंने अच्छी तरह बना के फिर, क्योंकि ऑब्वियसली चिकन को मैरिनेट करने के लिए थोड़ा सा टाइम देना होता है ताकि वो जरा जूसी और टेंडर सा होकर बने. तो बस फिर यहाँ पे मैंने चिकन को मैरिनेट करके साइड पे रख दिया. इसको मैंने फ्रिज में नहीं रखना है, इसको बाहर ही रखना है, ताकि ये जो है ना अच्छी तरह अंदर तक मसाला मैरिनेट हो जाए. नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द थर्ड आइटम, चूंकि यहाँ मैं बना रही थी थ्री मिल्क केक, और थ्री मिल्क केक को बनाने के लिए यार क्योंकि उसको ठंडा होने के लिए काफी टाइम लगता है, तो इस वजह से इसको भी मैं पहले बना रही थी. और आपने एक ट्रिक याद रखनी है कि जब भी आपने केक बनाना है ना, तो आपने अंडों को इतनी अच्छी तरह, अंडे और चीनी को इतनी अच्छी तरह मतलब इतनी अच्छी तरह बीट करना है कि वो डबल हो जाए, फॉर्म वाली टाइप में हो जाए ना. और उसके बाद बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने अच्छी तरह छान के बीच में डाल के कट एंड फोल्ड मेथड से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है. मतलब कि उसके बाद आपने उसको बहुत ज्यादा ओवर बीट नहीं करना, ताकि जितना मिक्सचर आपका फूला हुआ है वो दोबारा बैठ ना जाए, उससे जरा ना केक फ्लफी और मतलब सॉफ्ट सा फूल के बनता है. और ऐसे होता है ना कि समटाइम्स आपके दिमाग में इतनी सारी चीजें चल रही होती हैं, और तब मुझे याद आया कि यार मैंने केक में घी वगैरह तो डाला ही नहीं. और शुक्र अल्लाह का मुझे टाइम से याद आ गया, तो फिर मैंने फटाफट उसको डिश आउट किया, क्योंकि बेक करना था, उसके बाद उसको ठंडा करना था, और ठंडा होने के बाद भी उसको तकरीबन 3-4 घंटे आराम से फ्रिज में रखना था ताकि वो अच्छी तरह चिल हो जाए. यहाँ पे दूसरी तरह व्हिपिंग क्रीम की जो होती है ना, वो भी बड़ा टाइम लेती होती है विप होने में ना, लाइक समटाइम्स कभी कभी बहुत टाइम ले लेती है, कभी कभी जल्दी भी हो जाती है, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है. अच्छा, टू बी ऑनेस्ट, अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, दुनियादारी तो साथ साथ चलती ही रहती है, लेकिन यार आजकल जो कुछ भी हो रहा है ना, जो भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म ज्यादती हो रही है, वो इंतहाई दिल दहला देने वाले मोमेंट्स हैं. अल्लाह पाक सब मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे. और यार एक बात तो कुरान पाक में खुला खुलम लिखी हुई है कि यहूदी तो आपके खुले दुश्मन है इस्लाम के. मैं वैसे इमोशनली बड़ी स्टेबल बंदी हूँ ना, लाइक मैं बहुत ज्यादा कोई बात जल्दी जज्बाती नहीं होती, या मैं बहुत ज्यादा जल्दी किसी बात के ऊपर रिएक्शन नहीं देती. इसके बावजूद जब भी मैं इंस्टाग्राम खोलती हूँ ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मेरा दिल फटने वाला हुआ होता है. जितने भी क्लब्स आजकल देखने को मिल रहे हैं यार, वो इंसानियत तो मतलब खत्म हुई पड़ी है इन लोगों में. ये यहूदी तो कभी किसी के हो ही नहीं सकते, मतलब ये वो कौम है जिसके लिए मनु सलवा उतरा करता था, उसके बावजूद भी इनका ये हाल है. और कसम रात में सिर्फ इस बात पे खुश हो रही थी कि अल्लाह ताला ने जहन्नुम बनाई है, कि ऐसे लोगों का तो ठिकाना ही जहन्नुम है. वो जालिम की रस्सी दराज भी कर देता है और वही बेहतरीन बदला लेने वाला है. और हम लोगों की बेबसी का आलम देखेंगे, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते ना, मतलब हम लोग, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि यार हम कर क्या सकते हैं. चलो पहले की बात है, जब मेरा पासपोर्ट बना तब मुझे इतना नॉलेज नहीं था, मतलब
मुझे इतनी किसी बात का नहीं पता था। तो अगर आपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पे नोटिस किया तो उसके ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है कि दिस पासपोर्ट इज एलिजिबल फॉर एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर यहूदी। तो तब मुझे ना बड़ी क्यूरियोसिटी हुई, मैंने कहा यार ये क्या बात हुई, मतलब मुझे नहीं उस टाइम किसी बारे में पता था ना। तो मुझे फिर मेरे भाई ने बताया कि लाइक इट्स अ काइंड ऑफ प्रोटेस्ट कि हम उन लोगों को मानते ही नहीं है, हम लोग उनकी कंट्री को ही नहीं मानते, ये तस्लीम ही नहीं करते कि यार वो हमारे लिए एग्जिस्ट भी करते हैं कि नहीं। तो बेशक जो भी जुल्म सितम इंसानियत पे हो रहा है ना, अल्लाह पाक एक एक चीज़ का हिसाब लेगा। तो खैर दिस वाज ऑल द मेन्यू दैट आई मेड टुडे। ये मैंने चना चाट बनाया था और सलाद के पत्तों से इसकी लुक बिल्कुल चेंज लग रही थी। और ये मैंने रशियन सैलड बनाया था, मुझे मेवे इसमें बहुत अच्छे लगते हैं। और ये 3 मिल केक इस बार मैंने कुछ इस तरह डेकोरेट किया था कि मैंने उसके ऊपर ना रोज पेटल्स, ड्राई रोज पेटल्स करके उसको क्रश करके डाला था, तो वो भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे। इसकी लुक कुछ इस तरह अच्छी नहीं निकली जितनी मैंने एक्सपेक्ट की थी। और ये स्पेगेटी एंड दिस वाज द फाइनल लुक ऑफ ऑल द टेबल। आई ट्राई टू कीप इट मिनिमल। एनीवेज यार दिस इज ऑल फ्रॉम मी फॉर टुडे। आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। Bye.